नमस्ते, मैं संजीव कुमार सनशाइन हॉस्पिटल से। ये वीडियो में मैं ये समझाना चाहता हूँ कि पेशेंट अगर डिस्चार्ज होकर के कोरोना का अगर घर आ रहा है तो आपके पास क्या क्या इंतजाम होने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं जस्ट अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आया हूँ। अब मैं आपको घर के अंदर लेके चलता हूँ। कुछ लोगों के घर में इंडिविजुअल कमरे हो सकते हैं, कुछ लोगों के घर के अंदर ऐसे इंडिविजुअल पर्दे का सेक्शन हो सकता है। ये वो मेरा कमरा है जो मेरे पेशेंट के लिए होना चाहिए जब मैं अपने घर में आ जाऊँ। अच्छी लाइटिंग और एयर, खाने के लिए एडिक्वेट फ्लूइड, जूसेस, सूप्स, कट फ्रूट्स, एंटरटेनमेंट के लिए रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स या मोबाइल। जो लोग अंदर आके केयर करेंगे उन लोगों के लिए हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, मास्क एंड फेस शील्ड, और पेशेंट के लिए एक चेयर, कुछ सामान जो मैं बाद में समझाऊंगा, और एक बेड। मान लीजिए मैं आज डिस्चार्ज होकर घर आया, आने के बाद मैं आराम करूंगा। कितनी देर आराम करना है? 8 घंटे रोज आराम करना है। कैसे करना है? सीधे लेटने से ऑक्सीजन का सैचुरेशन ज्यादातर कम रहता है। हमने हॉस्पिटल में ये देखा कि अगर मरीज उल्टा होके सोए, जिसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन, ऐसे करके अगर आप 8 घंटे सोते हैं और इस दौरान पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ऑक्सीजन अच्छी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करिए कि 8 घंटे रोज, मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में या रात में उल्टा होकर के सोइए। इस करवट कोशिश करिए कि उल्टा होकर के सोइए, और एक पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास हमेशा होना चाहिए जो आपकी पल्स की सैचुरेशन 95 और 100 के बीच में बताता रहे, तो आप अच्छे हैं। इसके अलावा जो लोग बिस्तर में ही ज्यादा दिन रह रहे हैं वो लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज? सबसे पहले ये पैर की एक्सरसाइज। पैर ऐसे ऐसे चलाते रहिए, क्योंकि बहुत लोगों को पैरों में क्लॉट्स बन जाते हैं। अगर आप ये पैर की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ये क्लॉट बनने कम हो जाएंगे। दूसरा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। लेटे लेटे ही गहरे गहरे हल्के हल्के सांस लेना है, हमेशा नहीं लेटे रहना। 3-4 घंटे बाद या तो टेक के साथ और या बेड के किनारे पे, अगर आपकी हिम्मत है, बेड के किनारे पे एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है। कौन सी? पैर चलाना है, हो सके तो हाथ चलाना है, और हो सके तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करनी है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, 1 महीने तक कमजोरी रहती है, 15 दिन बाद के आसपास कमजोरी कम होने लगती है। जब आप खाने का, पानी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो आदमी की कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। उसे 3-4 घंटे पे कुछ खाने के लिए चाहिए। दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ऐसे रेस्पिरेटोमीटर्स आते हैं। अगर एक रेस्पिरेटोमीटर को करना क्या है, ये 3 बॉल्स रहती हैं, एक फूकने का इंस्ट्रूमेंट रहता है, ये गहरी सांस अंदर खींचो तो बॉल उठती है। कितनी बॉल आप उठा पा रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके चेस्ट के अंदर, आपके लंग्स के अंदर कितनी ताकत है। इसको पलट करके अगर आप फूकोगे तो बॉल ऊपर उठती है। ये 5-5 मिनट के लिए हर घंटे 2 घंटे दिन में करते रहिए। इससे 2 बातें होंगी, आपके लंग्स के अंदर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बेटर हो जाएगी। जब ये चीजें आप बेड में करने लगेंगे, उसके बाद आप बेड से बाहर निकलिए। बेड से बाहर निकल के 1 घंटा, आधा घंटा कुर्सी पे बिताइए, जिसमें आप अपने पैर रेगुलर चलाते रहेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आर्म्स बाहर ले जाके सांस खींचनी है, आर्म्स अंदर ला करके सांस छोड़नी है, पीछे खींचनी है, आगे छोड़नी है। ये एक्सरसाइजेस आपको रोज करनी है। इसके अलावा कोशिश हो तो रोज 10-15 मिनट पूजा भी करनी है, क्योंकि इससे फेथ बढ़ता है और इससे आदमी में बाहर निकलने की ताकत आती है। हमेशा मास्क लगा के नहीं रहना, जब कोई कमरे के अंदर आता है तभी मास्क लगाने की जरूरत है, अदरवाइज आप बगैर मास्क लगाए रह सकते हैं। जब कंडीशन चेयर से भी बाहर निकलने से बेटर हो जाएगी तो कोशिश करिए अपने कमरे में थोड़ा सा टहलें या कमरे के बाहर जाके थोड़ा सा टहलें। दूसरी बात, खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बुखार
कमजोरी और भूख न लगना सबसे बड़े सिम्टम है कोरोना के, जो 14 दिन के बाद भी रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बीमारी ठीक नहीं हुई, इसका ये मतलब है कि आपको बुखार के लिए सिंपल पैरास्टामोल की गोलियाँ खाने में, बहुत सारी लिक्विड डाइट, जूसेस, सूप्स एंड फ्रूट्स, और बहुत सारा विश्वास और बहुत सारी केयर की ज़रूरत है। ये एक मिनिमम सेटअप है जिसमें आदमी जनरली 10 से 12 दिन में इम्प्रूव हो जाता है। जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं या जिनको जुकाम बुखार है वो इस कमरे में ना आए। बच्चे और बूढ़ों को इस कमरे से दूर रखें। इन्फेक्टेड आदमी ज़्यादातर 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है, इसलिए बार बार टेस्ट कराने के पीछे मत भागिए। अगर पेशेंट सिक होता है तो उसके 2 या 3 कारण होते हैं। एक, वो बात करना छोड़ दे। दूसरा, उसको बार बार 102-103 फीवर आए। तीसरा, उसका पल्स ऑक्सीमीटर में सैचुरेशन 95 से कम दिखाने लगे। ये वो वार्निंग सिग्नल है जिसमें आप डॉक्टर की एडवाइस लेंगे, अदरवाइज आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये कोरोना केयर उन सब लोगों के लिए है जो घर में रिकवर हो गए हैं या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर अभी अभी आए हैं, जो कि 10-12 दिन के अंदर अंदर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएंगे। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सनशाइन हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ।